मान्यता है कि नीलवंती ग्रंथ 18वीं सदी में किसी नीलवंती नाम की लड़की ने लिखा था, जो पशु पक्षियों, भूत प्रेतों और आत्माओं से बातें करती थी। वास्तव में नीलवंती एक श्रापित यक्षिणी थी जो मनुष्य जाति में जन्मी थी। कहते हैं कि उस ग्रंथ के अध्ययन से कोई भी मनुष्य पशु पक्षियों या आत्माओं से बातें कर सकता था, यहाँ तक कि भविष्य की जानकारियाँ भी जुटा सकता था। कहा जाता है कि किसी कारण से अपने लिखे ग्रंथ को यक्षिणी नीलवंती ने ही श्रापित कर दिया कि जो कोई गलत इरादे से इस ग्रंथ को पढ़ेगा वह बर्बाद हो जाएगा। जनश्रुतियों के अनुसार इसे आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा कि यह ग्रंथ कैसा है, कहाँ है और किस लिपि में लिखा है।